पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम आमदा सी घर डाव रोड पर PMGCY के अंतर्गत मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन सामग्री उपयोग करने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत SDM पानसेमल रमेश सिसोदिया को मिलने पर नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। कार्य के निरीक्षण में ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में मुरम के स्थान पर काली मिट्टी से भराव करने, रिटर्निंग वॉल निर्माण में पत्थर डालकर ऊपर से माल भरने तथा समय समय पर पानी की तराई नहीं होने के आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार द्वारा मौका पंचनामा बनाकर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारी को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। PMGSY के अंतर्गत ग्राम मैंदराना से कांसूल खड़की होकर घर्ट गांव तक मार्ग निकाला जाएगा, जिसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर आसपास बताई जा रही है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की जांच तकनीकी स्तर पर करने की बात कही। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम हीरालाल एकनाथ निकुम है, मैं आमदा का निवासी मूल निवासी। ये घड़े का कार्यक्रम चल रहा है, इसका ये अपने ये बनाने का वाल का, और नदी निर्माण आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निर्माण होता है, ये धज जाएगा, इसलिए अपन इसमें सुधार चाहते हैं, जो तो अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए। नायब तहसीलदार खेतिया हूँ। आज धरड़ गांव से लेकर आमदा में जो सड़क निर्माण हो रहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको लेकर ग्रामीण जनों के द्वारा शिकायत की गई कि वहाँ पर घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा। इसे तो SDM साहब के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का पंचनामा और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। क्या क्या पाया सर निरीक्षण में? आज हम यहाँ पर देखा है कि रिटर्निंग वाल नदी के किनारे बनाई जा रही है, उसमें घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीण जनों की शिकायत थी। हमने इस हेतु तकनीकी दल का गठन हेतु अनुशंसा की SDM साहब। सर अवैध खनन भी देखा गया आपके द्वारा, क्या पाया गया? नदी के किनारे बंडा को लेके अवैध उत्खनन किया गया है, उसका भी प्रतिवेदन में पंचनामे में शामिल किया गया है उसको। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये SDM साहब को प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा, यहाँ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिनेश ब्राह्मण है, मैं ग्राम आमदा का निवासी हूँ, और यहाँ पर PMGKY का रोड बन रहा है, पर यहाँ पर ये जो वाल बना है, यहाँ पर नदी की रेत यूज करी जा रही है और बंडा डाल के इसको बनाया जा रहा है। हमारे ये मांग है कि भर यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए, ताकि ये कई सालों में अभी रोड बन रहा है, अभी व्यवस्थित तरीके से बनेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो वाहन चलते हैं खेतों के, गन्ने के ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, यह ऐसे ही दज जाएगा। अन्ना ब्राह्मण है, मैं आमदा का निवासी हूँ। ये उमरी नदी है और बहुत तेज गति से मतलब बहाव आता है, खेत में पानी चले जाता है, लोगों के भी ज़्यादा समस्या आती है। तो हमारी मांग है कि ये निर्माण थोड़ा अच्छा करा जाए, थोड़ा रेत भी मिट्टी टाइप आ रही है, इस संदर्भ में इस काम को थोड़ा रोका जाए और अच्छे से निर्माण करा जाए।